जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पोर्ट्रेट है जो जिसकी असल वो रोम के अजायब घर में है। जब 11 मुहर्रम को ये काफ़ला शाम के वक़्त कूफे के बाहर पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद मलाउन ने ये कहा उमर इब्ने साद से और शिमर से के काफ़ले को रोको, जब सुबह होगी हम दरबार और बाज़ार को सजाएंगे तब तुम आले रसूल को लेके दाखिल होना कूफे में, क्योंकि कूफे के बाहर मस्जिद हनाना है। वो मस्जिद हनाना में उसके सहन में उन्होंने क़याम किया। खोली मलाउन खुद जिसके पास मौला का सिर वाला नेज़ा था वो रावी है इस वाक्या का। वो कहता है कि मैं जब आधी रात का वक़्त था, क्योंकि उसने तमाम सिर मस्जिद हनाना की दीवार से अंदर लगा लिए, जिस कोने में सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिर पड़ा था, रात के वक़्त उस मस्जिद में एक राहब जो था वो काफ़ी अरसे से वहाँ क़याम पज़ीर था। इस इंतज़ार में उसे बताया गया था उसके बुज़ुर्गों ने कि यहाँ से कोई किसी इमाम या नबी का गुज़र होगा, क़याम होगा, तो इस इंतज़ार में था कि मैं उनकी ज़्यारत से मुशर्रफ़ हूँ। तो वो वहाँ था तो उसने रात को देखा कि मस्जिद नूर से रोशन हो गई है। जब उसने देखा तो नूर उस सर से साते हो रहा था। दौड़ के आया और गोया हुआ सरकार के सरे अक्दस से कि ऐ नेज़े पे सवार मज़लूम के सरे मुबारक, ये बताइए आप कोई नबी हैं या इमाम? तो इमाम पाक के सरे अक्दस से आवाज़ आई, मैं वो हुसैन हूँ जो मुबाहले वाले दिन अपनी माँ के साथ और अपने नाना रसूल अल्लाह के साथ मैदान मुबाहला में आया था। मेरे नाना की उम्मत ने मुझे कत्ल करके मेरा सिर नेज़े पे सवार किया हुआ है। वो राहब जो था उसके पास, वो बहुत बड़ा मुसव्वर था, उसके पास हरन की खाल थी और साथ ही उसके पास अपना सामान मुसव्वरी था। उसने वो निकाला और उस पर मनो अन सरकार के चेहरे अक्दस की वो नेज़े वाली तस्वीर जो है वो पूरी उतार दी। आप देख रहे हैं कि जब मुसव्वर कहीं गर्दन की तस्वीर बनाते हैं तो नीचे से वो गोल कर देते हैं। इस मुसव्वर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गर्दन मुबारक के जितने जहाँ जहाँ से कटा है, जहाँ से बड़ा है, जहाँ से छोटा है, ये व मन अन उसने उसकी तस्वीर बना दी है। जिसके लिए यह रवायत है कि जब सरे अक्दस पेश किया गया इब्ने ज़ियाद मलाउन के दरबार में तो उसने शमर से पूछा कि ऐ शमर बता, तूने हुसैन को तेज़ धार आले से कत्ल नहीं किया? तो उसने कहा अमीर आपको किस तरह मालूम है? तो उसने जनाब के उन बालों पे हाथ रखा हुआ था जिन बालों को रसूल अल्लाह बोसा दिया करते थे, कहने लगा कि हुसैन के गर्दन का गोश्त बताता है कि तुमने हुसैन को तेज़ धार आले से कत्ल नहीं किया। ये कहते हुए उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गर्दन के गोश्त को अपने खंजर से झाड़ना शुरू किया। करीबी दरबार में सरकार का एक सहाबी मौजूद था, सरकार दो आलम का, वो उठा और उसे कहने लगा कि ये रसूल का गोश्त है, ये फ़ातिमा का खून है, ये रसूल अल्लाह का खून है, ऐ बदबख्त तू बेअदबी कर रहा है। और उसने वो तमाम टुकड़े जितने भी थे सरकार के गर्दन के गोश्त के गिरे हुए वो उठा लिए। ये मस्जिद हनाना का बहुत पुरदर्द वाक़या, और इस लिहाज से क्योंकि अंग्रेज़ वो तस्वीर आज से 200 साल पहले मस्जिद हनाना से उतार के ले गए और उन्होंने जहां और दुनिया के अजूबात वहां उन्होंने नसब किए हुए हैं, जैसे फ़िरौन की लाश भी वहां है और भी बहुत ऐसी नादर चीज़ें वहां मौजूद हैं, तो ये तस्वीर भी रोम के अजायब घर में उन्होंने नसब कर दी। ये जो हमारे पास तस्वीर है
ये भी उसका अक्स है जो अक्स आजकल मस्जिद हनाना में लगा हुआ है। लोग आते थे और मस्जिद हनाना में जब उसके सामने उन ज़ियारत को आते थे तो बहुत सारे लोगों ने टकरे मार के अपने आप को मौला की मोहब्बत में जान दे दी। इस वास्ते आप इराक की गवर्नमेंट में उसके सामने एक छोटी सी जरी बना रखी है ताकि एक डिस्टेंस से लोग इसे देखें। हम इस तस्वीर को सिर्फ दसवीं वाली रात यहाँ नसब करते हैं फजर की अजान के वक़्त और शाम गरीबा के बाद इसे उतार के अंदर रख देते हैं। ये पूरा साल जनाब सैयदा के ताबूत में रहता है। हर दसवीं मुहर्रम की फजर को ये रखते ही रखी जाती है और उसके बाद फिर इसे वापस रख दिया जाता है क्योंकि ये इतनी मुकद्दस तस्वीर है इसके आम दीदार के लिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये ख़ास दिन ही इसके लिए मुय्यन है जिस दिन सरकार की शहादत का दिन है। جعل الحق وزهق الباطل ان